दोस्तों, जब भी दुनिया की सबसे महंगी कार्स की बात होती है तो हमारे दिमाग में रोल्स रॉयस, फेरारी, मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू जैसी कार्स का नाम सबसे पहले आता है। और जब बात कीमत की हो तो आप में से कई लोग 10 करोड़, 20 करोड़ और ज्यादा से ज्यादा 25 करोड़ ही बोलेंगे, और इससे ज्यादा किसी कार की कीमत क्या ही हो सकती है। लेकिन दोस्तों, जिस कार को आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह है दुनिया की सबसे महंगी कार, और इसकी कीमत जानकर आपका मुंह खुला का खुला रह जाएगा। दोस्तों, इस कार का नाम है मर्सिडीज बेंज 300 SLR, और हाल ही में कंपनी ने इस कार की नीलामी कराई है, जिसमें ये कार $143 मिलियन में बिकी, जो भारत की करेंसी में 1109 करोड़ रुपए बनते हैं। लेकिन दोस्तों, ये कार इतनी महंगी क्यों बिकी और इस कार में ऐसा क्या खास है, जानने के लिए इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, और ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कार 1955 में मर्सिडीज कंपनी द्वारा बनाई गई थी। कंपनी ने इस तरह की केवल 2 कार्स का ही निर्माण किया था, और इसका एक मॉडल कंपनी ने अपने पास ही रखा है, और दूसरे मॉडल की कंपनी ने अब जाकर नीलामी की है, जिसको अमेरिका के एक बिजनेसमैन डेविड मैकले ने $143 मिलियन में खरीदा है। ये किसी कार के लिए चुकाई गई अब तक की सबसे बड़ी कीमत है। इस कार ने फरारी 250 GTO का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दोस्तों, फरारी की ये कार 542 करोड़ में बिकी थी। मर्सिडीज की ये कार अपनी लुक्स और परफॉर्मेंस की वजह से पूरी दुनिया में फेमस। दोस्तों, ये एक क्लासिक रेसिंग कार है, जिसे लोग प्यार से मोनालिसा ऑफ कार्स भी कहते हैं। इस कार में 302 हॉर्स पावर का पावरफुल इंजन लगा है, जिसकी मैक्सिमम स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोस्तों, ये कार 1950 की सबसे फास्ट रेसिंग कार थी। इस कार का इतना महंगा बिकने का एक कारण है इसका इतिहास से जुड़ा होना। असल में ये कार 2 बार वर्ल्ड रेसिंग चैंपियनशिप भी जीत चुकी है, जिसकी वजह से नीलामी में इसे इतना महंगा खरीदा गया। वैसे इतने पैसों में 200 से भी ज्यादा रोल्स रॉयस कार्स खरीदी जा सकती हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये कार इतने पैसे डिजर्व करती थी या नहीं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही मजेदार टॉपिक्स के साथ।